Audiojungle. सरकार व शिक्षा विभाग की तरफ से खंड हसनपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में रोल मॉडल के साथ बालिकाओं का संवाद व उनके मन की बात प्रोग्राम में गांव जटोली राजकीय माध्यमिक स्कूलों में आयोजन किया गया। इसमें गांव में पढ़ाई खेल कूदों में मिसाल बन रही लड़कियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया और अन्य छात्र छात्राओं को इस माध्यम से ज्यादा पढ़ने व खेलों के प्रति जागरूक किया जाना था। इस मौके पर काफी ग्रामीण लड़कियां व महिलाएं व बुजुर्ग भी उपस्थित रहे। जिन लड़कियों को रोल मॉडल बनाया गया उन्होंने खुलकर अपने संघर्ष की कहानी से रूबरू कराया कि उन्हें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। उन्होंने अपने मन की बात साझा की और माता पिताओं से आग्रह किया कि वो अपने बेटे व बेटी के अंतर को भुलाकर लड़कियों को आगे बढ़ाने के ज्यादा से ज्यादा मौके मुहैया करवाएं। अब समय बदल रहा है, उन पुरानी परंपराओं को भूलकर आगे बढ़ने का समय है। जितना संभव हो सके लड़कियों को उनकी योग्यता अनुसार पढ़ाएं या यदि उनकी खेलों के प्रति रुचि है तो निसंकोच उन्हें रोके नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें बड़े मुकाम हासिल करने की आज़ादी दें। वहीं इस अवसर पर सभी बुजुर्गों ने इस कार्यक्रम की तारीफ। खंड शिक्षा अधिकारी ज्ञान सिंह तेवतिया ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो गांव में जो छात्राएं रोल मॉडल बनी हैं, उनसे प्रेरणा लेकर आगे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। उनके कथानुसार इस तरह की गतिविधियां होती रहनी चाहिए ताकि छात्राएं प्रेरणा लेकर और जागरूक बन मेहनत करें और अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। आवाज एक शुरुआत से लखवीर सरोद ने मुख्य अध्यापक जटोली मोहन सिंह ने भी छात्राओं को संबोधित किया। वहीं गांव जटोली से कल्पना पुत्र ओम प्रकाश चौहान एमएससी की छात्रा, गांव अतवा से सुषमा कुमारी पुत्री विजय कुमार एमए हिस्ट्री की छात्रा व बड़ोली से सबीना पुत्री श्यामवीर बीएससी की छात्रा है। सबीना ने आईएएस बनकर समाज की सेवा करने की इच्छा जाहिर की कि मेरे माता पिता का पूर्ण सहयोग मुझे मिल रहा है। इन सब से छात्र छात्राओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, इसलिए इन्हें रोल मॉडल चुना गया है। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप भी रोल मॉडल बन सकते हैं। मुझे रोल मॉडल चुना गया है क्योंकि मैं एमएससी मैथ से कर रही हूं और इस गांव की सबसे शिक्षित लड़कियों में मैं हूं, इसलिए मुझे यहाँ का रोल मॉडल चुना गया है स्कूल से। ये प्रोग्राम किस सौजन्य से किया गया है? कि लड़कियों को आगे बढ़ना है, पढ़ने के लिए बताना है उनको कि वो आगे पढ़ें, कि जिस तरीके से मुझे यहाँ रोल मॉडल चुना गया, हर लड़की आगे बढ़े, हर लड़की पढ़े। वो उनको ज़रूरी नहीं है कि हर काम सिर्फ घर के काम के लिए लगा दिया जाए, उन्हें चूल्हा करना है, चौका करना है, बस इस चीज़ से हटके उन्हें उस चीज़ को छोड़ के आगे पढ़ने को प्रोत्साहन करना है। तो आपके इस मिशन में माता पिता का कितना योगदान रहा? माता पिता का शुरू से लेके लास्ट, जीरो से लेके इतनी तक। तो आप चाहते हैं इसी तरह सब सबके माँ बाप साथ दें? हाँ जी, बिल्कुल चाहती हूँ कि ये नहीं है बच्चे आगे अकेले बढ़ेंगे, नहीं, सबसे ज़्यादा माँ का हाथ होता है। माँ उन्हें बताती है कि किस तरीके से रहना है, किस तरीके से पढ़ना है। ऐसा है कि जो रोल मॉडल एक्टिविटी स्कूलों में हो रही है जी, इसका मुख्य उद्देश्य छात्राओं को प्रेरणा देना है कि रोल मॉडल से प्रेरणा लें और आगे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। ऐसा है कि ये जो एक्टिविटी कराई जाती है अभी पिछले 3-4 साल से कराई जा रही है, छात्राओं को ये अवसर दिया जाता है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें, इनसे सीखें और कठिन विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ें। यही कहना चाहूँगा कि ये जो गतिविधियाँ हैं नियमित रूप से होती रहें जिससे छात्राओं को प्रेरणा मिले और अपने जीवन में अपनी सफलता को प्राप्त करें। आज़ाद हरियाणा के लिए हसनपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।